हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का कुमुदनी की वेज रेसिपी में स्वागत है। आज मैंने बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर करी है और वीडियो पसंद तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। हेलो फ्रेंड्स, कुमुदनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैंने बहुत ही हेल्दी टेस्टी नाश्ते की रेसिपी आपके साथ शेयर की है जो आपके डाइट प्लान के लिए भी बहुत अच्छा है। और आप इस नाश्ते की रेसिपी एक बार देखेंगे ना तो इसको बनाए बिना रह नहीं पाएंगे, इतनी हेल्दी और टेस्टी है फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कप मूंग और एक कप चना पहले से भिजा के रख लिया था और वो अंकुरित हो चुका है। अच्छे से अंकुरित चना और मूँग है। सबसे पहले हम इसको मिक्सर में डालेंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि ये इतना हेल्दी है, आप पूरी वीडियो एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है और 2 हरी मिर्च ली है। इसको भी इस तरह से काट के बिना पानी डाले पहले हम पीसेंगे। अगर आपका मिक्सर नहीं तैयार होता है तो आप थोड़ा सा पानी 1 चम्मच जितना डाल सकती हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर ये पीस के रेडी हो चुका है। अभी इसके अंदर पानी एड नहीं किया है। अब एक बर्तन में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है फ्रेंड्स। और मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही हेल्दी टेस्टी है। आप एक बार मेरे बोलने से ये रेसिपी बना कर ज़रूर खाइएगा, विटामिन मिनरल का ये खजाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैं 4 चम्मच चने का बेसन डाल रही हूँ, चने का आटा, ताकि इसके अंदर जो प्रोटीन के गुण हैं वो और भी बढ़ जाए। फाइबर, प्रोटीन सब इसके अंदर, विटामिन का खजाना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया है और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाली है, 1 छोटा चम्मच इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब पहले इसको हम मिलाएंगे। अगर ये सूखा लगता है तो इसके अंदर 1/2 कप जितना पानी हम ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं मिला रही हूँ और ये थोड़ा सा सूखा लग रहा है, तो 1/2 कप जितना पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ये जो नाश्ते की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, चिल्ले की रेसिपी, ये इसी तरीके से आप बनाएंगे ना तो वो बहुत टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देख लीजिए, अच्छे से हम पहले फेंट लेंगे बेसन को और सारे हमारे चने और मूंग दाल के पेस्ट को। देखिए ये पूरा बिना गुठलियों वाला हो चुका है। उसके बाद हम इसमें 1 कप या फिर 2 बड़े चम्मच प्याज डाल देंगे, टमाटर डालेंगे 2 बड़े चम्मच और 2 बड़े चम्मच हम गाजर डालेंगे और भी हेल्दी और टेस्टी बनाने के लिए। फ्रेंड्स, जो भी सब्जियां आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, ये बहुत ही हेल्दी है। बोलने से बस एक बार रेसिपी देखिए, एकदम आसान रेसिपी है, बना कर खाइए। आप टिफ़िन में दीजिए, नाश्ते में दीजिए, ब्रेकफास्ट में दीजिए, बहुत खुश हो जाएंगे। यहाँ पे 1/2 चम्मच तेल मैंने डाला है, लोहे का तवा लिया है, तो लोहे के तवे पे मैंने 1/2 चम्मच तेल डाला है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखा है, मीडियम फ्लेम पे ही ये नाश्ता हम बनाएंगे फ्रेंड्स। और इस तरीके से एक मोटी लेयर का चीला मैंने तैयार किया है आपके सामने, आपको दिख रहा होगा। तो आप जैसे भी शेप देना चाहें, ये शेप बहुत आसानी से हो जाता है। और इसको हम ढक देंगे 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद देखिए हल्का सा सूख गया है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा पनीर को इस तरह से क्रश कर देंगे फ्रेंड्स। और भी ये हल्दी टेस्टी प्रोटीन डाइट सब इसके अंदर शामिल हो रहा है। आपने देखा सिर्फ 1/2 चम्मच तेल का ही मैंने इस्तेमाल किया है और जितने भी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं इसके अंदर सभी बहुत ही हेल्थफुल हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ी सी हरी धनिया और थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च डाली है। देखने में सुंदर लगता है तभी खाने में मज़ेदार लगता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से हमारा ये छोड़ दिया है लोखंड की तवे ने चीले को। अब इसको हम पलट लेंगे और ढक देंगे थोड़े समय के लिए और फिर पलटेंगे। तो देखिए ये कैसे रेडी हो चुका है एक चीला बनकर हमारा। तो कितनी आसान रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की। भिजाना है, पीसना है और जो भी सब्जी है डालनी है और पकाना है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आपके पास 20 से 25 मिनट है तो ये रेसिपी बनकर रेडी हो जाएंगी, कटिंग वटिंग सब कुछ करने के साथ में। क्योंकि आज चॉपर का समय है, चॉप करते हैं जैसे ही हम लोग, ऐसे ही सारी सब्जियां चॉप हो जाती है बहुत ही आसानी से।
देखिए दूसरा भी चूल्हा मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है और कुछ तेल की कुछ बूंदे ही हमको डालना है तवे पे और ये रेडी हो जाएगा। तो देखिए बस इस तरह से ढक देंगे और फिर आधा मिनट के बाद खोलकर देखेंगे और ये पलटी कर देंगे। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहले से फेंट कर रख सकती हैं फ्रिज में, जब भी कोई नाश्ता या ब्रेकफास्ट के लिए बैठे तो आप 5 मिनट में इस तरह से सेक कर दे सकती हैं उनको गर्मा गर्म हेल्दी टेस्टी नाश्ता जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रिज। तो देखिए ये हमारा दूसरा भी चीला रेडी है और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके साथ में खाने के लिए मज़ेदार सी रायते की रेसिपी। तो यहाँ पे दही को मैंने पहले से फेंट लिया था, ये 1 कप दही है, इसके अंदर 2 चम्मच जितना मैंने ककड़ी डाला है और 2 चम्मच मैंने इसके अंदर टमाटर डाला है और 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर प्याज डाला है, थोड़ी सी हरी धनिया डाली है और 1 चुटकी जितनी हरी मिर्च डाली है। अगर आपको डालना है तो डालिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है फ्रेंड्स। तो देखिए अब पहले इसको हम मिला लेंगे इन सब्जियों को अच्छे से दही के अंदर। ये रायते की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये इतनी टेस्टी लगती है कि इस खाने का ना स्वाद और बढ़ जाता है। यहाँ पे मैंने 1/2 चम्मच से भी कम थोड़ा सा काला नमक लिया है और काली मिर्च पाउडर ली है 1 छोटे चम्मच टेस्ट के अनुसार और चाट मसाला लिया है 1 छोटे चम्मच। अब इसको भी हम मिला लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे ताकि सब जगह दही काली मिर्च और चाट मसाला मिल जाए। सोचिए कितना चटपटा सा हमारा ये रायता तैयार हो रहा है फ्रेंड्स, देखने में सुंदर खाने में लाजवाब। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छे से हमारा ये दही का रायता तैयार हो चुका है। बस ऐसे ही अब एक थाली में हम परोसते हैं। मेरे बोलने से बस ये रेसिपी बना के खाइएगा, आपके घर में सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे गर्मा गर्म मैं चीले के साथ में परोस रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 चीला रखा है और ये दूसरा और ये तीसरा। तो फ्रेंड्स कैसी लगी रेसिपी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, कहाँ से आप मेरी रेसिपी देख रहे हैं कमेंट कीजिए, कब बना के खाने वाले वो भी मुझे बताइए, ज़रूर बनाइए खाइए मेरे बोलने से। देखिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी, सिर्फ 1/2 चम्मच से तैयार होने वाली, 1/2 चम्मच तेल से तैयार होने वाली हमारी ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर की हूँ। तो या फिर आप टिफिन में दो, ब्रेकफास्ट में दो, नाश्ते में दो, जैसे मन करे आप डिनर भी कर सकती हैं। एकदम टेस्टी और देखिए कितनी ये सॉफ्ट है, जैसे ही मैंने तोड़ा ये टूटकर अलग भी हो गया, कितनी अच्छी दिख रही है, सुंदर ये रेसिपी एकदम है ना टेस्ट से भरा हुआ। तो वीडियो पसंद आई है ना तो लाइक शेयर करना ना भूले, अभी पहले एक लाइक कीजिए और शेयर करना भी मत भूलिए। तो देखिए यहाँ पे रोहन ने 1 बाइट ली, कैसा लगा रोहन? रोहन खा के बता रहा है मम्मी बहुत अच्छा लगा है।